संजय पांडे के आदेश के बाद मुंबई की हर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में कुछ न कुछ नया देखने को मिला है। और ऐसे ही मामला मालूम पुलिस स्टेशन के हद में आया, जहाँ पे एक नाइजीरियन को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 1,12,50,000 रुपये रकम की ड्रग्स को बरामद किया गया है। हमारे माननीय पुलिस कमिश्नर सर ने पूरे मुंबई में जो एंटी ड्रग्स कैंपेन अभी चालू किया हुआ है, उसमें ड्रग्स बेचने वाले, ड्रग्स लेने, इसका सेवन करने वाले सभी के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना अभी चालू है। उसमें मालवणी पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में एक हमें इनपुट मिला इंटेलिजेंस थ्रू कि ऐसे ऐसे एक फॉरेन नेशनल है कि वो यहाँ पे बड़ी मात्रा में ड्रग्स बेचने के लिए आने वाला है, और उसका यहाँ पे बहुत जगह पे उसने इसके पहले भी ड्रग्स सेल किया हुआ है। इसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर श्री बाले राव, हमारे ट्रेडिशन ऑफिसर मुलानी, ACP दीवार साहब और उनकी टीम ने वो फॉरेन नेशनल को यहाँ से माड़ा मैदान उस एरिया से उसको कस्टडी में लिया हुआ है। जब उसे कस्टडी में लिया तब उसके पास से टोटल 5 छोटी छोटी थैलियाँ मिली, जिसमें हर थैली में 150 ग्राम मेफेड्रिन ये ड्रग्स था। ऐसे टोटल 5 थैली का मिला के टोटल हमें 750 ग्राम का मेफेड्रिन मिला है, जिसका टोटल कॉस्ट होता है 1,12,50,000 रुपये। और बाकी भी हम सप्लायर जो है उसका भी हम अभी उसके आगे की तहकीकात कर रहे हैं। आरोपी के बैकग्राउंड क्या है, जो ड्रग्स पकड़ा गया सर किसको सप्लाई करने के लिए आया था? ये कमर्शियल क्वांटिटी में पकड़ा गया है, ताकि इसको यहाँ पे जो छोटे मोटे बेचने वाले लोग रहेंगे या डायरेक्टली उसके जो यहाँ पे पेडलर्स है उनको बेचने के लिए वो आया होगा, और आगे भी हम तहकीकात शुरू कर रहे हैं। क्या लगता है इसमें और लोगों की गिरफ्तारियाँ संभव है सर? हाँ है, उसका तहकीकात चल रही है। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, जिसका भी सप्लायर रहेगा, जो भी इसमें इन्वॉल्व होंगे, सभी के ऊपर हम लीगल एक्शन लेने वाले हैं। आरोपी का मोडस सर क्या है, कैसे वो ड्रग्स मुंबई में लाता था, किसके जरिए लाता था? अभी हम उसकी तहकीकात कर रहे हैं, अभी उसका कस्टडी मिला हुआ है, तो डिटेल में हम इंक्वायरी करके बाकी हम आपको डिटेल बताएंगे। सर, इस आरोपी के खिलाफ और भी कोई मामला दर्ज है इससे पहले मुंबई आसपास में? हाँ जी, ये फॉरेन नेशनल है, इसके बारे में और भी हर अलग अलग जगह पे केसेस रजिस्टर हो सकते हैं, और इसके पहले भी उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है इसे हमें पता चला है, तो बाकी सब हम कलेक्ट कर रहे हैं। सर, इसमें क्या उसके सहयोगी भी हो सकते हैं जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल हो? हाँ, हो सकते हैं, इसमें सभी को हम इसमें लीगल एक्शन हम लेने वाले हैं। सर, ये जिस घर में रहते थे वहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स वगैरह कुछ पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है? वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी, हम सभी उसमें जितना भी हमें इसमें तहकीकात करनी चाहिए हर एंगल से इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी मालवणी पुलिस स्टेशन जो है मामले की जाँच कर रही है।